स्टॉल नंबर 76 पे आए हैं उड़ीसा के, जो कि है गोल्डन ग्रास क्राफ्ट। आइए दीदी से जानते हैं कि क्या स्पेशल है इनके यहाँ पे। जी आपका नाम? मेरा नाम संध्या रानी है। हम लोग उड़ीसा से आए हैं। गोल्डन ग्रास का सामान है, हमारा पीजी ग्रुप है, वहाँ 350 मेला काम करते हैं, उनके प्रेसिडेंट में हूँ और हर साल यहाँ पे आती हूँ मेला के, और ज़्यादा भी सेल होता है यहाँ पे, अच्छा लगता है। इसलिए हमारा उम्मीद भी है इस साल भी ज़्यादा सेल होगा, बहुत भी होगा, क्योंकि दो साल से ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ था, अभी ज़्यादा अच्छा सेल होगा। इसलिए हमको खुश लग रहा है कि यहाँ से आए, आज पहला दिन है, अभी मेरा 2500 रुपया सेल हो गया है शुरू होते होते, अच्छा भी हो जाएगा ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो क्या स्पेशल उड़ीसा से क्या लेकर आए हैं आप, ये क्या बना रखा है? उड़ीसा में हम लोग जैसे भगवान के सामान रखने के लिए बॉक्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ रोटी रखने के लिए लोग यूज करते हैं, रोटी ज़्यादा रखने के लिए लेते हैं ये, और ये है फूड बास्केट, जैसे कि फूड्स रखने के लिए, और डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए अच्छा दिखता है, फूड रखने के धो भी सकते हैं, वॉशेबल भी है, 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। और जैसे ये पेन स्टैंड भी है, इसको पेन भी रख सकते हैं, पेन स्टैंड बोलते हैं, ये भी एक डिजाइन का पेन स्टैंड है। और ये है ट्रे, हम लोग जैसे कि शादी में कोई लोग आते हैं ना देखने के, इसमें कप वगैरह देने के लिए, पानी देने के लिए ये ट्रे होता है, और इसमें फूल वगैरह कुछ तुलने के लिए ये भी है, फूल मंदिर लेने के लिए है, मंदिर भी लेके जा सकते हैं, ये सब खासियत है हमारे, हाथ से बना हुआ है। जैसे कि घास वेस्ट होता है ज़मीन में, ऐसे ऐसे खेतों में ख़राब हो जाता है, हम लोगों ने इसको ला के सुखा के सालों के लिए रख देते हैं, 10 साल भी यूज करेंगे ना ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रोसेसिंग करके इनको आके 1 महीने सुखाते हैं, उसके बाद ही रखते हैं, तो उसके बाद जब बनाते हैं ना पानी में भिगा के ही बनाते हैं, इसीलिए इसको कीड़े नहीं लगते, अच्छा ही रहता है, कोई ख़राब नहीं होता, इसलिए हमारा सामान स्पेशल है।